हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुनील अडोकार। सो आज आप सभी के सामने पेश है किया सेल्टॉस। ये अपने सेगमेंट की बेहतरीन सी फीचर लोडेड मस्कुलर एसयूवी कार। एंड आज आप लोग यहाँ पे देखेंगे किया सेल्टॉस के बेस मॉडल एचटी डीजल वेरिएंट को। तो आज इसी का आपको डिटेल प्रॉपर रिव्यू वीडियो देखने को मिलेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कहने को तो बेस मॉडल है, बट आपको उसमें बेसिक मॉडल से मिलेंगे काफी सारे स्टैंडर्ड फीचर्स। एंड अभी तो भाई साहब इस 2024 में यहाँ पे काफी सारे अपडेट भी आपको मिलेंगे इस कार के साथ। जैसे कि पहले आपको डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता था इसके बेस मॉडल में, इसी के साथ ब्लैक कलर भी ऑफर नहीं किया जाता था। तो ये दोनों चीजें भी आपको मिलेंगी इस कार के साथ। एंड प्राइस रेंज की बात करें अगर इस गाड़ी की, तो 1090,000 जहाँ से इसका एक्चुअल बेस मॉडल पेट्रोल वाला स्टार्ट हो जाता है। एंड टॉप मॉडल भी जाएगा 22 लाख के आसपास तक। लुक्स वाइज हो या भाई साहब फीचर्स वाइज हो, हर तरह से एकदम परफेक्ट बैठती है ये एसयूवी कार। तो आइए सबसे पहले चलेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। देखने में एकदम मस्कुलर सी लग रही है। ऊपर यहाँ पे किया का बड़ा सा लोगो, ब्लैक कलर के यहाँ पे टाइगर नॉस इसके देखेंगे फ्रंट ग्रिल। हेडलाइट्स वगैरह आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर पीले वाले यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एंड बेस मॉडल है, तो आपको यहाँ पे कोई भी DRS नहीं मिलेंगे। ऊपर इंडिकेटर एंड देखेंगे पार्किंग लाइट। एंड नीचे यहाँ पे फॉग लैंप्स की हाउसिंग, लोअर ग्रिल आपको दी जा रही ब्लैक कलर की। स्किड प्लेट भी आपको मिल जाती है सिल्वर फिनिश में एकदम मस्कुलर सी। नीचे प्रॉपर इंजन कार्ड वगैरह भी देख सकते हैं। तो फ्रंट फीचर एकदम बेहतरीन सा रहने वाला है इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार का मस्कुलर सा। अब इसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट, इस तरह कुछ आपको देखने को मिलेगा इसके बेस मॉडल की पूरी साइड प्रोफाइल। इस वेरिएंट के साथ यहाँ पर 16 इंच के स्टील लिम व्हील कवर रहेंगे सिल्वर फिनिश में। आगे पीछे दोनों में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे जो स्टैंडर्ड रहते हैं इस कार के साथ। टायर प्रोफाइल 205/65 आर रहेंगे 16 इंच के इसके रेडियल के टायर्स। इतना कुछ इसका ट्रेवल, ब्लैक कलर के देखेंगे क्लैडिंग। एंड यहाँ पे आपको फेंडर में ही इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे इस वेरिएंट के साथ। आउटसाइड मिरर सेम बॉडी कलर, बट ये आपको मैनुअली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल देखने को मिलेंगे इस वाले वेरिएंट के साथ। मतलब बेस मॉडल में कोई भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड इसके बेसिक मॉडल से इस तरह देखेंगे कुछ फ्लिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की यहाँ पे मिलने वाली है, जिसमें किया की ब्रांडिंग इधर यहाँ पे। इसमें लॉक अनलॉक बटन लॉक करेंगे बटन्स, तो इसको रखते जेब में। अब दिखाते हैं इसके अंदर का डैशबोर्ड, पूरा ब्लैकआउट रहेगा। थोड़ा सा पे सिल्वर इंसर्ट मिलता है इस इवेंट्स के सराउंडिंग। बेस मॉडल की वजह से कोई भी आपको ऑडियो सिस्टम यहाँ पे नहीं मिलेगा। 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। चारों पॉइंट्स के कंट्रोल्स भी दिए जा रहे हैं। हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट भी आपको मिल जाती है इसके बेसिक मॉडल से। बाकी और क्या कुछ रहेगा इसके इंटीरियर में, अभी आपको बैठ के दिखाएंगे प्रॉपर डिटेल में। बी पिलर वगैरह पर रहेंगे मैट ब्लैक फिनिश में। एंड ये देखेंगे मस्कुलर सी रहने वाली इस गाड़ी की पूरी साइड प्रोफाइल। कंपटीशन इस गाड़ी का सीधे हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट एंड ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी के साथ होता है। लेकिन अभी किया सेल्टॉस भी भाई साहब किसी से कम नहीं। कुछ फीचर्स भी यहाँ पे ऐड ऑन किए जा चुके हैं, जैसे कि सनरूफ वगैरह पहले अपर वेंट से मिलती थी, अभी जो आपको दी जाएगी लोअर वेंट से। इसी के साथ साथ आपको बेसिक वेंट से यहाँ पे डीजल में मैनुअल का ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस ब्लैक कलर मिल जाता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की जा चुकी है इस कार में। रियर से देख लीजिए इस कार को, तो सबसे पहले बैक में देखेंगे सेंटर में यहाँ पे दिया गया है किया का लोगो। कनेक्टेड यहाँ पर रहेंगे इसकी बैकलाइट, हालांकि ऑन पूरी नहीं होती है, इतना सिर्फ पार्ट इसका ऑन होगा। इसी में रहेगी इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। सेल्टॉस की यहाँ पर देखेंगे बैजिंग। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको रियर वाइपर डिफॉगर नहीं मिलेगा इस फ्रंट के साथ। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शाफ्ट एंटीना आपको यहाँ पे बेसिक मॉडल से देखने को मिल जाएगा। एंड बैक बम्पर वगैरह देखेंगे ब्लैक कलर का, इसमें रिफ्लेक्टर। एंड 4 रहेंगे रिवर्स पार्किंग सेंसर, मस्कुलर से पूरी यहाँ पे। स्किड प्लेट आपको दी जा रही सिल्वर फिनिश में, ये स्टैंडर्ड रहती। आगे पीछे दोनों में आपको स्किड प्लेट मिलेगी। नीचे का ये रहेगा इसका पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप। ग्राउंड क्लियरेंस भी सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक मिलेगा 190 mm का। अब आइए आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस, खोलेंगे यहाँ से इसके टेलगेट को। सो इस कार में आपको ऑफर किया जाता है 433 लीटर का बूट स्पेस, यानी कि 433 लीटर का, जहाँ पे अपना पूरा सामान वगैरह भर दीजिए। यहाँ पे ट्रॉली बैग झोले वगैरह, पार्सल ट्रे नहीं रहेगी, उसको आपको लगवाना पड़ेगा बाद में। इस पर व्हील यहाँ पे दिया गया नॉर्मल साइज स्टील लिम। टायर सेक्शन यहाँ पे सेम साइज आपको मिलेगा 16 इंचेस का। यहीं पे जैक टूल पना वगैरह रखा हुआ दिख जाएगा, हुक वगैरह साइड में। और ये सीट्स वगैरह आपको पूरी 100% यहाँ पे फोल्डेबल देखने को मिलेगी इस वेरिएंट के साथ। सिर्फ आपको इसमें पार्सल ट्रे लगवानी है। तो चलिए इसको भी यहाँ पे करते बंद, फिर चलेंगे कार के अंदर। एंड अंदर चलने से पहले बात करें अगर इस किया सेल्टॉस के डायमेंशन के बारे में, तो इस कार के साथ आपको उसमें 4365 mm की इस गाड़ी यहाँ पे लंबाई लेंथ, 1800 mm की इसके यहाँ पे चौड़ाई विथ एंड 1645 mm की इस गाड़ी के यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाएगी। व्हील बेस वही रहता है 2610 mm का इस कार के साथ। आप पीछे की तरफ यहाँ पे देखेंगे इसका फ्यूल फिलर कैप, जहाँ से आप इसमें डलाएंगे डीजल, क्योंकि डीजल वेंट देख रहे हैं पेट्रोल में भी जा सकते हैं। 50 लीटर पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी, तो डीजल यहाँ से डलाइए। ब्लू वाला देख रहे हैं, इसमें पड़ेगा एड ब्लू यानी कि यूरिया, दोनों चीज़ें भाई साहब कंपलसरी रहती है डीजल वेरिएंट के साथ। तो इसको यहाँ पे कर दिया बंद। रियर में दिखाएं तो पीछे भी आपको इसमें यहाँ पे डस्ट ब्रेक्स मिलेंगे, यानी कि ऑल फोर डस्ट ब्रेक्स यहाँ पर रहती स्टैंडर्ड। ब्लैक कलर की देखेंगे पूरी यहाँ पे क्लैडिंग। एंड वारंटी वगैरह की बात करें अगर इस किया सेल्टॉस की, तो आपको इसके साथ 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की यहाँ पे वारंटी देखने को मिल जाएगी इस कार के साथ। बाकी कलर ऑप्शन में ये आप इसका व्हाइट कलर देख रहे हैं, व्हाइट ब्लू ब्लैक रेड सिल्वर ऑलिव ग्रे, ये काफ़ी सारे आपको इसमें कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे इस कार के साथ।
अब चलेंगे गाड़ी के अंदर। सबसे पहले हैंडल देखिए, चारों आपको मिलते सेम बॉडी कलर। खोलेंगे यहाँ पे इसकी डोर को, पूरी ब्लैकआउट, यहाँ पे डोल ट्रिम, ये चीज़ देखिए, ये भाई साहब इसको प्रीमियम बना देगी। ये आपको हिंडी क्रेटा में भी नहीं मिलता है बेस वेरिएंट के साथ, जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा स्टैंडर्ड। डोर ओपनर पूरा सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे देखेंगे पावर डोर का कंट्रोल, स्पीकर्स आपको लगवाने पड़ेंगे, बाकी रहेंगे नीचे यहाँ पे बॉटल की प्लेसमेंट, फैब्रिक की यहाँ पे सारी सीट्स। तो आइए चलिए चलते कार के अंदर, बैठ के दिखाते हैं इसका पूरा इंटीरियर। सो गाइस अंदर बैठने के बाद ये देखेंगे इसका पूरा डैशबोर्ड का व्यू, पूरा ब्लैकआउट, यहाँ पे आपको उसमें लगवाना पड़ेगा ऑडियो सिस्टम, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी इसके इस बेस वेरिएंट के साथ। बाकी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, हाइट एडजस्टमेंट वाले यहाँ पे सीट, ट्रैक्शन, टीपीएमएस, ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स, काफी सारे फीचर्स। पीछे की बात करें तो यहाँ पे रियर पैसेंजर के लिए आपको दिए गए एसी वेंट्स, ये भी आपको बेसिक मॉडल से मिलने वाले इस कार के साथ। छोटा मोटा इस पे जहाँ पे अपना खुद भी खाने पीने का मोबाइल वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड दो दो रहेंगे टाइप सी यूएसबी के पोर्ट्स, ये भाई साहब हुंडई वाले एंड इनका पता नहीं क्या सिस्टम रहता है, दोनों टाइप सी देते ना, एक टाइप पे कराए तो ज्यादा बेटर हो जाए। जरूरी नहीं कि भाई साहब जो दोनों पीछे वाले बंदे बैठे दोनों के पास यहाँ पे टाइप सी वाले पोर्ट्स हो, कोई टाइप ए भी लेके चल सकता है। एंड बैठने के बाद ये रहने वाला इस गाड़ी के बड़े से लेगरूम, नीरूम वगैरह एकदम कंफर्टेबल होकर बैठेंगे इस कार के अंदर। एंड यहाँ पे ये भी भाई साहब स्टैंडर्ड फीचर इसका जो मिलता है काफी बड़ा सा, जो आपको हुंडई क्रेटा वगैरह में देखने को नहीं मिलता है, जो यहाँ पे सनब्लाइंड्स मिल रहे हैं। डोर वगैरह आपने देख ली दोनों साइड की, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इसका ग्रैप हैंडल, हुक वगैरह, ये इसका छोटा सा क्वार्टर ग्लास, बेस वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको उसमें कोई भी पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलेगी। हेडरेस्ट वगैरह ये सब आपको फिक्स मिलते हैं, दो दिए गए, दोनों ही आपको मिलेंगे फिक्स। तीन पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे सीट बेल्ट्स के, फैब्रिक की सीट्स रहती इस तरह देखेंगे, इनका यहाँ पर पूरा रहेगा टेक्सचर। तो ये आपने देख लिया, अब बचा हुआ है आगे का इसका डैशबोर्ड। तो मतलब पीछे वाली इस सीट पे दो बंदे तो आराम से बैठेंगे, थर्ड पर्सन भी यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन जब तीसरा बंदा बैठेगा ना, हल्का सा ये निकला हुआ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज बैठना चाहे तो बैठ भी जाएंगे तीन लोग भी यहाँ पे आराम से। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते तो यहाँ पे देख लीजिए पिलर्स वगैरह पे यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अब आइए निकलते हैं बाहर, फिर चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। डोर्स में यहाँ पे हो गया चाइल्ड लॉक, ये हो गई ड्राइवर साइड वाली यहाँ पे हैंडल, चाबी मैंने आपको दिखाई दी थी, फिर से देख लीजिए बेस वेरिएंट के साथ इस तरह कुछ फ्लिप यहाँ पे रिमोट सेंटर लॉकिंग की मिलने वाली है। डोर वगैरह देखेंगे पूरी ब्लैक कलर की आपको दी गई है, जिसमें एक स्लाइड यहाँ पे रहती है सिल्वर फिनिश की डोर ओपनर वाली, बाकी ओआरबी मैनुअली एडजस्टेबल फोल्डेबल रहेंगे, तो इस डंडी से ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्पीकर्स लगवाने पड़ेंगे बाद में, चारों यहाँ पे रहेंगे पावर न्यूज के कंट्रोल्स, लॉक ऑन लॉक के बटन्स, यहाँ पे बॉटल होल्डर। एंड ये चीज़ थोड़ा सा ना इंप्रूव कर देना चाहिए भाई साहब, जहाँ पे इंसान 11 लाख रुपया दे रहा है, इसको अगर थोड़ा इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल कर दे तो और ही मज़ा आ जाए इस कार में। डैशबोर्ड वगैरह अभी आपको दिखाते बैठ के, सीट्स वगैरह देखेंगे सारी यहाँ पे रहने वाली फैब्रिक की, क्वालिटी कुछ इस तरह की आपको मिलने वाली है, मतलब टेक्सचर वगैरह भी आपको थोड़ा देखने को मिलेगा इनकी सीट्स में। एंड इसके बाद एडजस्टमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट, सीट डिक्लाइन दोनों ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, मतलब बेसिक रेंट से आपको ये बड़े हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट देखने को मिल जाएंगी। नीचे जाते हैं इसका फ्यूल लीड ओपनर, यहाँ पे जाएंगे तो इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के एबीसी पैडल, उधर जाएंगे डेट पैडल, एंड आगे का बोनट खोलना है तो उसका लीवर रहेगा यहाँ पे। साइड में यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, आइडियल स्टार्ट ऑफ का बटन, ये रहेगा हेडलैम्प एडजस्टमेंट वाले स्विचेस। बेसिक वेरिएंट से देखिए ट्रैक्शन मिल जा रहा है, हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट्स मिल जा रही, चारों पावर विंडोज मिल जा रहे हैं, बाकी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे, पीछे वाले बंदों के लिए रियर एसी वेंट्स, सन ब्लाइंड से काफी सारे फीचर्स रहेंगे इस कार में, और ये तो आपको दी जा रही है यहाँ पे फ्लिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की। तो आइए अब इसको लगाते हैं, फिर बैठते हैं कार के अंदर। तो गाइस अभी आ चुके हैं यहाँ पे किया सेल्टॉस के बेस मॉडल के अंदर, सबसे पहले ऑन करेंगे इसके इग्निशन को, पूरा देखेंगे डिजिटल आपको बेहतरीन से यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। इधर आएंगे स्टीयरिंग में तो यहाँ पे किया का लोगो, इधर जाएंगे एमआईडी के सारे कंट्रोल्स, इधर कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि आपको इसमें कोई भी ऑडियो सिस्टम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको लगवाना पड़ता है इस कार में बाद में। सिल्वर फिनिश भी यहाँ पे आपको इसमें ऑफर की जा रही है, एडजस्टमेंट की अगर इसके बात कर ले तो ये टिल्ट, हाँ सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल देखने को मिलेगी इसकी स्टीयरिंग। इसको करते हैं यहाँ पे फिक्स, इधर जाएंगे मैनुअल हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स, यहाँ पर जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल्स। क्लस्टर की बात करें तो इस साइड यहाँ पे देखेंगे नीचे आपको मिलती फ्यूल गेज वाली सारी इन्फॉर्मेशन, इधर जाएंगे तो टेम्परेचर वाली सारी इन्फॉर्मेशन, एक साइड आपको मिलेगा स्पीडोमीटर, एक साइड मिलता है यहाँ पे आरपीएम मीटर, बीच में इसकी एमआईडी स्क्रीन, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, इसकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए ये बटन आपको मिल देना स्टीयरिंग में, इसको प्रेस करिए, करंट ट्रिप वगैरह आपको दिखाई देगा, बाकी ड्राइव असिस्ट, क्लस्टर लाइट, डोर कन्वीनियंस, यूनिट लैंग्वेज रीसेट, ये काफ़ी सारी चीज़ें। डीजल गाड़ी है तो यूरिया के यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है, मतलब कि कितना अभी आपकी गाड़ी में एडब्लू वगैरह है। ये सब देखने के बाद अब आती बात इसके डैशबोर्ड की, ये देखिए पूरा ब्लैकआउट, सिर्फ यहाँ पे बेस मॉडल में एक की आपको कमी फील होगी इस कार के अंदर जो मुझे लगता है मोटा मोटा, ये इसका ऑडियो सिस्टम। अदरवाइज देखा जाए जो भी यूज़ की सारी चीज़ें आपको मिली जा रही है इसके बेसिक वेरिएंट से, 10,90,000 से इसका ये एक्सरूम बेस मॉडल स्टार्ट होता है पेट्रोल। बाकी डीजल तो भाई साहब जाहिर सी बात है 1.5-2 लाख के आसपास आपको महंगा पड़ेगा, तो ये आपको यहाँ पे लगवाना पड़ेगा बाद में। और ये नीचे आएंगे हेडलाइट का स्विच, एसी वेंट्स ब्लैक कलर के, जिसमें एक स्लाइड रहेगी पूरी सिल्वर फिनिश। मैनुअल एसी आपको दिया जाएगा इस बेस वेरिएंट के साथ, यहाँ से अपना फ्लो वगैरह, इधर से फैन स्पीड वगैरह, टेम्परेचर वगैरह सभी कुछ एडजस्ट कर सकते हैं।
नीचे देखेंगे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट यहाँ पे हो गया। देन इसका टाइप सी यूएसबी का पोर्ट, यहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ भी अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हो। एंड ये इसका 6 स्पीड यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक का ऑप्शन लेना चाहते हो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए भाई साहब यहाँ पे इसको लगा रखा है ना, ये किस लिए भाई साहब इसका यूज़ किया आप मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी पूरी यहाँ पे आपको मिलती है ग्रे फिनिश, यहाँ पे देखेंगे दो ग्लास होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, ये आर्म रेस्ट, ये भी आपको बेसिक मॉडल से मिलने वाला है। इसमें रहेगा स्टोरेज स्पेस, कुछ भी अपना खाने पीने का यहाँ पे सामान रख सकते हैं। तो ये बढ़िया काम है कि आपको बेस मॉडल में आर्मरेस्ट वगैरह मिल जा रहा है, एकदम बड़े सामान रख के गाड़ी को ड्राइव करिए, मतलब कंफर्ट जोन का पूरा ध्यान दिया गया इस कार में। इधर की डोर ट्रिम एयरबैग्स मैंने आपको बताया दिए, 6 आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलेगी, स्टेयरिंग में मिल जाती है, फ्रंट वाली सीट्स में यहाँ पे जाएंगे तो पिलर्स में कर्टन एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्लव बॉक्स बच गया था ये भी देख लीजिए, ये इसका नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स रहेगा, कोई कूल्ड वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा इस फ्रेंड के साथ। इसको करते हैं यहाँ पे बंद, ऊपर आएंगे मैनुअली एडजस्टेबल यहाँ पे इसका ईयर गियर, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए भाई साहब ये आपको हिंडी क्रेटा में भी नहीं मिलता है, ये सनग्लास होल्डर जो आपको दिया जा रहा ना ये चीज़ वहाँ पर रहती मिसिंग। बाकी रूफ लाइट वही यहाँ पे रहेंगी पीली वाली। सनवाइजर में इधर आपको दिया गया वैनिटी मिरर, इस तरफ देखेंगे तो रहेगा टिकट होल्डर, सामने से भाई साहब धूप आ रही थी तो मैंने इसको यहाँ पे पूरा लगा दिया, वरना रिफ्लेक्शन वगैरह आपको शो करता वीडियो में। तो ये आपने देखा इसके बेस मॉडल के अंदर का पूरा डैशबोर्ड एंड इंटीरियर। सिर्फ यहाँ पे मेरे हिसाब से एक ही चीज़ आपको लगवानी है, ये ऑडियो सिस्टम एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा। उसके अलावा जो जरूरत की चीज़ें हैं जैसे कि रिमोट सेंटर लॉकिंग की आपको मिली जा रहा है, डिजिटल क्लस्टर दिया जा रहा है, चारों पर विंडोज़ मिल जा रही है, हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट्स मिल जा रही है, बाकी ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स, इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स रहेंगे 6 एयरबैग से साथ ही साथ। तो अब आइए निकलते गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो ये सब आपने देखा इसका पूरा इंटीरियर वगैरह, आप सबसे पहले इसकी डोर को यहाँ पे करेंगे क्लोज। इंजन स्पेक में आपको उसमें डीजल पेट्रोल दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी आपके सामने इसका पेस है 1.5 लीटर में, यहाँ पे टर्बो डीजल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 116 एचपी की पावर, 250 एनएम का टॉर्क मिलेगा, समथिंग वही 20 एमपीआर का माइलेज इस कार के साथ। इसके अलावा चाहे तो इसका 1.5 लीटर में यहाँ पे पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जहाँ पे आपको उसमें मिलेगी 115 एचपी की पावर, 144 एनएम का टॉर्क। दूसरा आपको 1.5 लीटर में टर्बो जीडीआर पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको 157 एचपी की पावर, 253 एनएम का टॉर्क मिलता है, समथिंग वही 17 एमपीआर का माइलेज इस कार के साथ। एंड अब फाइनली बात आती है इसकी प्राइसिंग की, जो आपका बेस मॉडल देख रहे हैं एचटीई डीजल में, तो ये आपको पड़ेगा 12,35,000 एक्सरूम, 14,50,000 के आसपास जाएगी ऑन रोड लखनऊ। ये पर अगर आपका पेट्रोल लेंगे तो आपको पड़ेगी 10,90,000 एक्सरूम, 12,70,000 के आसपास जाएगी ऑन रोड। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, 6 एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड एलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, ट्रैक्शन टिपे में से काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस किया सेल्टॉस के बेस मॉडल पे। तो अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो कर दें, चलो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।